अनुष्का खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। आइए रुख करते हैं यूपी की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अगर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां भी सौभाग्य से होती हैं। बेटियां घर की रौनक होती हैं। अगर जिस घर में बेटी ना हो वो घर सूना सूना सा रहता है और उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। उक्त कथन आज बेटी बगीचा का शुभ आरंभ करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता मिश्र ने व्यक्त किए। न्यू सन बीम पब्लिक स्कूल प्रांगण में बेटी बगीचा का शुभ आरंभ करते हुए उन्होंने बताया कि संकल्प 1000 की प्रेरणा से उन्होंने ये बगीचा तैयार कराया है, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के जन्म दिवस पर पौधारोपित कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। आज पीहू के जन्म दिवस पर बेटी बगीचा में कई फूलदार पौधों को रोपित कर बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संकल्प 1000 के श्याम जी गुप्ता ने कहा कि बेटी घर में हंसती है तो उसकी हर खिलखिलाहट में मधुर संगीत होता है। बेटी बगीचा को एक अच्छी पहल बताते हुए उन्होंने सभी से मांगलिक अवसर पर पौधारोपण की अपील भी की। विद्यालय के प्रबंधक अतुल मिश्र ने कहा कि पौधारोपण आज की आवश्यकता है। यदि हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो पौधारोपित कर उसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। बेटी बगीचा के शुभ आरंभ के अवसर पर प्रमुख रूप से अमित शुक्ल सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। हरदोई से रवि लाला की रिपोर्ट।